मध्य प्रदेश के छतरपुर में 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 1.5 साल की बच्ची दिव्यांशी का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। उसे करीब 9.5 घंटे बाद निकाला गया। वह बोरवेल में 13 फीट की गहराई में फंस गई थी और मम्मी मम्मी कहकर रोई जा रही थी। पुलिस, SDIRF और सेना के जवानों द्वारा चलाए गए अभियान के चलते बच्ची की जान बचाई जा सकी। गुरुवार रात करीब 1 बजे के करीब बच्ची को बाहर निकाला जा सका। बच्ची की स्थिति अभी ठीक है, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बच्ची के बाहर आने की खुशी में माँ के आंखों से आंसू झलक आई। मौके पर छुटी भीड़ ने जयकारा लगाकर अपनी खुशी व्यक्त की। दिव्यांशी को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ था। दरअसल गुरुवार दोपहर को छतरपुर के दौरी नौगांव में दिव्यांशी कुशवाहा नाम की एक बच्ची खुले पड़े बोरवेल में गिर गई थी। वह माँ रामसखी और अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ खेत पर आई थी। उसे बोरवेल में गिरता देख बड़ी बहन ने शोर मचाया। माँ बच्ची की चीख सुनकर दौड़ी, इसके बाद उसने गांव के लोगों को जानकारी दी। बच्ची के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस आई और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। SDIRF और सेना की मदद भी ली गई। बच्ची हरकत कर रही थी, पाइप के सहारे उसे ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से करीब 10 फीट की दूरी पर उसी के समांतर गड्ढा खोदना शुरू किया। इस दौरान बच्ची की कुशलता पर CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए टीम ने रोशनी सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की, जिससे रात में भी बचाव अभियान नहीं रुका। दूसरी ओर दिव्यांशी के सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। सभी के प्रयास से बच्ची की जान बचाई जा सकी और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सका।